आई होप सब लोग कर तो लिए डीपीपी। बस कल हम लोग एक बार डीपीपी डिस्कस कर लें, जो भी डाउट होगा। टाइम वैसे मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, बट टाइम याद रखना कि मॉर्निंग में 10 to 11:30। अब जितने टाइम में डिस्कस हो जाएगा, 1 घंटे में डिस्कस हो गया तो 10 to 11 ही, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें डाउट होगा नहीं, सिंपल सा डीपीपी है उसमें। बट एक बार फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेना है, स्किप नहीं करना उसको भी। सो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं ये टाइमिंग ग्रुप पे भी डाल दूंगा कल के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, अब हम लोग चैप्टर्स पे आते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर रहेगा हाइड्रोकार्बन। इसका बुकलेट मिल गया होगा सब लोगों को हाइड्रोकार्बन का। यस सर। चलो ठीक है फिर। अब देखो हाइड्रोकार्बन के अगर हम लोग अब एनसीईआरटी का बुक देखोगे उसमें स्टार्टिंग में नेमिंग दिया हुआ है अल्केन अल्किन अल्काइन का नेमिंग कैसे किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके होते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। हम लोग नेमिंग पे अभी नहीं जा रहे हैं। तो मेनली जो हाइड्रोकार्बन में देखना है अल्केन अल्किन एंड अल्काइन का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, दैट मीन यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन वाला पार्ट देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखते हैं अल्केन। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग देख चुके हैं, तो मेनली यहाँ पे प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखना है कि अल्केन जो होता है उसको प्रिपेयर कितने तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और रिएक्शन ऑर्गेनिक अगर ध्यान से देखते जाओगे समझते जाओ, इसमें रटने की जरूरत नहीं एक भी रिएक्शन को, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, समझ सकते हो एक स्टेप को, क्योंकि हम लोगों ने GOC 1 GOC 2 डिटेल में पढ़ रखा है। बेसिक्स ऑफ रिएक्शन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हर एक पॉइंट को समझ सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में फर्स्ट मेथड है फर्स्ट या इसमें लिख सकते हो इस टाइप से मेथड उसमें आते हैं फॉर्म अल्काइल हैलाइड, फॉर्म अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट मेथड है उर्ज रिएक्शन, WURTZ उर्ज रिएक्शन। वॉइस तो सबको प्रॉपर आ रहा है अभी? यस सर। तो ठीक है फिर। अब देखने की उर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट है, उर्ज रिएक्शन मेथड से है, तो ठीक हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे अभी। इस मेथड से अल्काइल हैलाइड, अब एक टर्म आ रहा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिखूं तो RX, तो अल्काइल ग्रुप और उसके साथ कोई भी एक हैलोजन ग्रुप आ रहा है, RX को हम लोग क्या बोले अल्काइल हैलाइड। उर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट है इसमें कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, एन ए ड्राई ईथर, एन ए ड्राई ईथर इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। अब इसके रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। कपलिंग ऑफ अल्काइल का मीनिंग क्या था, यहाँ पे RX और यहाँ पे Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। और बेसिकली यहाँ पे जो होता है इसका दो मॉलिक्यूल्स यूज किया जाता है अल्काइल हैलाइड का, तभी तो कपलिंग कर पाएंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड का। देखें कैसे रहता है, मेनली यहाँ पे RX Na ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन होती है कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे RR,
आर्किया यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे चाहे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी रहेगा देखेंगे एग्जाम्पल में अभी हम लोग। अब इसका मिक्सम भी देखना है हम लोगों को यहाँ पे। मिक्सम मीन्स ये प्रोसेस जो आर्या बन रहा अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले सोचोगे इसका दो दो मिक्सम होता है यहाँ पे, एक आयोनिक मैकेनिज्म एंड एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आयोनिक मिक्सम की बात करें। यहाँ पे आयोनिक मैकेनिज्म, अब यहाँ पे समझना है कि आयोनिक मिक्सम में क्या होता है इस केस में। अब देखिए सोडियम मेटल आ रहा है, अब सोडियम मेटल अगर आ रहा है यहाँ पे और दो सोडियम मेटल अगर एक साथ लिया जाए यहाँ पे, अब इस केस में सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल का, इलेक्ट्रॉन लूज करना, हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दो एटम से बाहर कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितना बाहर जाएगा यहाँ पे, टू इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही एन ए होता इस टाइप से, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता और एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, तो ऐसा ऐसा यहाँ पे दो एटम ले रहे हैं, दैट मीन्स एन ए प्लस टू टाइम्स और दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। मैक्सिमम समझना है, मैक्सिमम को ध्यान से समझोगे, इसमें कुछ मैंने नया नहीं किया, इसमें जो मेटल का प्रॉपर्टीज होता है उसी का यूज किया है। सोडियम मेटल इसका प्रॉपर्टीज का इलेक्ट्रॉन लूज करना, एन ए प्लस और दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है इसमें, तुम जस्ट नीचे कंटिन्यू करोगे या चलो मैं भी नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी करो पहले। रिएक्शन का स्टेटमेंट है याद रखना, इसमें बोर्ड अगर रहते हो इसमें स्टेट बोर्ड या चाहे जो भी बोर्ड बोर्ड का एग्जाम, तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ सकता है कि कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई एथर इज कॉल्ड उरी रिएक्शन। और उरी रिएक्शन का ये जनरल रिएक्शन होता है, इसको तुम लोग इसी तरह सर्कल में कर लोगे। और ये बन कैसे रहा है यहाँ पे है, ड्राई एथर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, सोडियम का तो यूज पता चल रहा है कि सोडियम का क्या यूज है, सोडियम क्या करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। बच्चे से पूछते हैं सर बोर्ड में अगर उस रिएक्शन आता है तो क्या लिखना है, वहां पे ये स्टेटमेंट और एक ये जनरल रिएक्शन, बाकी मैक्सिमम अगर पता होता है तो लिख सकते हो, नहीं तो इसके एक दो एग्जांपल जो आगे हम लोग करेंगे अभी। कर ले कॉपी कर ली यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, बाकी जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी उनके लिए वेट नहीं किया जाएगा यहाँ पे, कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ये फर्स्ट स्टेप आता है इसके मैक्सिमम का, जो मेटल होता है उसका प्रॉपर्टीज पर इलेक्ट्रॉन लूज करने का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आर एक्स आ रहा है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। सेकेंड स्टेप है इसमें सर लास्ट पेज, कॉपी करो जल्दी से इसको। ठीक है सर बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो आर एक्स आ रहा है, अब एक्स जो रहा था यहाँ पे मेनली क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन जो भी रहे यहाँ पे, जनरली वो क्या होता है कार्बन sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू ज्यादा यहाँ पे है x पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसे पता चल पा रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्लियर है। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव x पे, अब जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा था तुम्हारा वहां पे है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहेगा, आर के पास या एक्स के पास, उससे सोचो। आर आर क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे इस आर के पास आता है यहाँ पे अटैक करता है, बेसिकली ये वर्ड यूज करते हैं,
जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन आ करके आर पे अटैक करता है, जो जैसे दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड होता है कोई भी कार्बन है, एट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो रखेगा नहीं। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इस आर के पास आता है, अटैक करता है, ये जो एक्स है ये एक्स माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। हम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग ग्रुप, ये एक्स माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है यहाँ पे। अब देखना है कि इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक आर का इलेक्ट्रॉन था और एक एक्स का इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेकर के बाहर जा रहा है यहाँ पे। एक्स किस फॉर्म में बाहर जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस, क्लियर है यहाँ पे है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आर का एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से एक्स एक्स के साथ, बट दो इलेक्ट्रॉन आ करके एड भी हो रहा है आर के साथ, आर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया है, दो इलेक्ट्रॉन आकर के एड भी हो रहा है आर पे, ये आर नेगेटिव और एक्स माइनस, क्लियर है यहाँ पे, आर नेगेटिव और एक्स माइनस बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आर एक्स का मैंने दो मॉलिक्यूल यूज किया हुआ है, कपलिंग कराना है तो दो मॉलिक्यूल यूज होगा, ये क्या होगा जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है आर एक्स का, अब ये R माइनस बन चुका था यहाँ पे विथ लोन पेयर। अब यहीं पे जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा आर एक्स का, यही क्या करता है, फिर से वही कंसेप्ट, ये X पे कौन सा चार्ज आएगा, नॉर्मली पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो R माइनस है ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, R माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये सब लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, और सब लोगों का आवाज आना चाहिए, ऐसा नहीं बस एक दो लोग बता रहे हैं। ये R माइनस नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस जो भी है न्यूक्लियोफाइल, अब यही जो R माइनस है न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पे आकर के अटैक करेगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, यही R माइनस इस कार्बन पे आकर के अटैक करता है, इस R पे अटैक करेगा और यहाँ से X माइनस को बाहर करेगा ये, और जैसे ये X माइनस बाहर जाएगा ये R और ये R आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इस आर के साथ, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आर आर प्लस एक्स माइनस। और हमारा पर्पस भी क्या था यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे आर आर बन गया, यही क्या आ रहा था अल्केन, अब इस प्रोसेस में कितना एक्स माइनस यहाँ से बाहर जा रहा था, एक एक्स माइनस यहाँ से और एक एक्स माइनस यहाँ से बाहर जा रहा था, टू एक्स माइनस बाहर जा रहा है, और पीछे देखोगे यहाँ पे क्या था 2Na प्लस भी बना हुआ ऑलरेडी, क्लियर है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है एक पॉइंट और इसी में ऐड कर सकते थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है इसका Na प्लस और X माइनस, वो क्या बन जाता है NaX, ये भी एज ए बाय प्रोडक्ट बन पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा पर्पज था आर आर बनाना था वहां पे, वो आर आर आ पा रहा है इस केस में यहाँ पे, और यही तो क्या था अल्केन, आर आर दैट मीन्स ये भी सी एच थ्री और ये भी सी एच थ्री हो तो इथेन बन जाएगा वहां पे, इसको भी कॉपी कर लेना यहाँ पे, ये इसका प्रॉपर मिक्सचर है जिसमें क्या हो रहा है आर आर बन पा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही था, वो क्या बन जाता है टू एन एक्स बेसिकली आ जाएगा वहां पे, इसमें क्या आ जाएगा इस केस में टू एन एक्स, यहाँ पे टू लिख सकते हो, ये तो इसका प्रॉपर मिक्सचर आ गया, और वो भी कौन सा मिक्सचर है इसका आयोनिक मैकेनिज्म। अब इसका एक और मैकेनिज्म रहता है रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें की पर्पस क्या है, मुझे आर आर बनाना है, अल्केन बनाना है वहां पर, तो किसी भी एक मैकेनिज्म से सोचना था, बट ये भी सिंपल सा होता है, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे है। अब मान लो कि आर एक्स आ रहा है यहाँ पे है, अब यहाँ पर भी जो रेडिकल मिक्सचर रहता है इस केस में, यहाँ भी Na है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा यहाँ पे है Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या होता है जो RX आ रहा है इस केस में यहाँ पे तुम्हारा अल्काइल हैलाइड,
इसमें यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक करता है इस केस में, और एक ही इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक करता है इस केस में यहाँ पे है, ये x माइनस यहाँ से बाहर चला जाता है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, क्या देंगे हम लोग r फ्री रेडिकल प्लस x माइनस। अब यही जो r फ्री रेडिकल है यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक आर एक्स के लिए r फ्री रेडिकल बना यहाँ पे है, सिमिलरली दूसरा r फ्री रेडिकल भी सेम तरीके से बनेगा, और एक r फ्री रेडिकल क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स r x यूज कर रहे थे, दूसरा r फ्री रेडिकल बनेगा इसी तरीके से, और एक फ्री रेडिकल डेट में एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यही क्या बन जाता है यहाँ पे आर आर। बट आयनिक मैक्सिमम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी किसी भी तरीके से हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल मैक्सिमम भी है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर आर आर का फॉर्मेशन कर लेगा, ये क्या होगा अल्केन। ये तो मैक्सिमम की बात हो गई यहाँ पे है। सर यहाँ पे सोचो सर, एक ही आर फ्री रेडिकल, एक और आर फ्री रेडिकल कहाँ से आ गया, कि जैसे ये आर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है सेम तरीके से एक और आर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि दो आर एस ले रहे थे यहाँ पे, और एन ए जितना रिक्वायर्ड होता है उतना एटम मिल जाता है एन ए का। क्लियर है यहाँ पे है। अब एक स्टेटमेंट इसी को अगर शॉर्ट में देखें यहाँ पे, तो नीचे कंटिन्यू करोगे इसी में, इसमें जो आर एक्स आ रहा था, अगर मैक्सिमम की बात नहीं करना डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2NA और ये इस टाइप से XR को लिख दिया जाए, अब यहाँ पे क्या होता है RX और ये भी RX, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ RX, तो सिंपली कपलिंग करना है, तो कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या करते हैं, NA और X को यहाँ पे बाहर करते हैं। किस तरीके से बाहर जा रहा है इसके हम लोग दो दो मिक्सम देख चुके हैं, बट ये शॉर्टकट मेथड है डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट बनाना हो, कि यहाँ से क्या हो रहा होगा एन ए एक्स टू एन एक्स और ये आर और आर कनेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे कपलिंग हो रहा होगा आर आर प्लस टू एन एक्स, ये शॉर्टकट प्रोसेस है, इससे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि सर एन ए का तो काम पता चल गया, अब लेकिन आपने ड्राई थर भी लिख रखा था, इसका क्या रोल होता है, यहाँ पे जो मीडियम होता है वो ईथर मीडियम लेते हैं यहाँ पे, और वो ड्राई क्यों लेते हैं यहाँ पे, एक्वस क्यों नहीं लेते हैं, एक्वस जब लिया जाएगा यहाँ पे, बस समझ लोगे यहाँ पे, जब एक्वस लिया जाएगा दैट मींस वाटर का कुछ भी कंटेंट रहा, इसमें जो वाटर है वो इस आर पे अटैक करके, आर पे ही क्यों अटैक करा रहे हर केस में यहाँ पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, आर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि एक्स माइनस को बाहर करेगा, तो जब एक्वस होगा यहाँ पे ड्राई कंडीशन नहीं लिया जाएगा, तो क्या बना लेगा आर और वाटर आकर के अटैक करता है यहाँ पे, ये ओ एच पॉजिटिव चार्ज और ये एक्स माइनस यहाँ से बाहर जाता है, इसको बस समझने के लिए ये है, और यही एक्स माइनस इस एच प्लस को बाहर कर देता है, तो जब कुछ भी अगर एक प्लस अमाउंट रह गया वहां पे और एच प्लस को बाहर करता है एच एक्स, और इसका जो एच प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्कोहल, तो ड्राई कंडीशन इसलिए ले रहे हैं कि अल्कोहल ना बने यहाँ पे, हम लोग जो चार है अल्केन बने वही अल्केन नहीं बन पाएगा यहाँ पे, जब ट्राई कंडीशन लेंगे एक्वस ले लिया जाएगा तो ये अल्कोहल बना देगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अल्कोहल बने यहाँ पे, तो पढ़ क्या रहे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को कि ड्राई इथर क्यों यूज किया, इथर तो ठीक है वो मीडियम में प्रोवाइड करता है, ड्राई क्यों ले रहा है यहाँ पे हम लोग, उसके पीछे रीजन है कि एक्वस अगर ले लेंगे तो अल्कोहल बना देगा, जो कि लोग नहीं चाहते यहाँ पे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको भी चाहो तो कॉपी कर सकते हो शॉर्ट में यहाँ पे, बस ड्राई क्यों यूज किया जा रहा है, एक्वस क्यों नहीं। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे अब एग्जांपल इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पर एग्जांपल जब इतना हम लोग कर लेते एग्जांपल काफी आसान सा रहेगा, तुम लोग खुद से बना पाओगे एग्जाम्पल इसका। सर एक मिनट पिछला दिखाइए ना, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अभी हम लोग। हो गया सर, थैंक यू।
ठीक ठाक है देखते हैं हम लोग। इसमें बस ये रखना कि अगर एक्वस लिया जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा जो हम लोग नहीं चाहते, इसलिए ड्राई कंडीशन ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहेगा, मिथाइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड कुछ भी दिया रहे यहाँ पे, इसका रिएक्शन कराया जाए यहाँ पे तो मैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ, यानी ड्राई ईथर, यहाँ पे ये कपलिंग करके क्या हो जाता है, जितना भी कार्बन का ये अल्काइल हैलाइड होगा उसका डबल हो जाता है जो कि CH3Cl है। अब तुम्हें पेपर में या क्वेश्चन में तुम्हें ये मेंशन नहीं रहेगा ये दो मॉलिक्यूल, तो वो अंडरस्टूड रहता है कि जब भी ऊर्जा रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ होगा तो इसका दो मॉलिक्यूल सूज होगा, वो अंडरस्टूड रहता है। यहाँ पे क्या बन जाता प्रोडक्ट, उससे सोचो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3 CH3CH3 इथेन बन जाएगा, यहाँ पे इथेन का प्रिपरेशन हो रहा है। कुछ पॉइंट कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे, उस ऊर्ज रिएक्शन मेथड से ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन कल्चर बना सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे वो आगे हम लोग अभी। और मान लो कि यहाँ पे CH3CH2Br आ जाए तुम्हारा, इसमें अगर Na ड्राई ईथर दिया रहे, Na ड्राई ईथर सोडियम ड्राई ईथर, इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट, इसे गेस कर सकते हो, अंडरस्टूड टू मॉलिक्यूल यूज होगा। डायक्लिक कंपाउंड का नेम बताओ, ब्यूटेन, सही है, वो क्या जाता है ब्यूटेन, CH3CH2CH3 नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन बोल सकते हो। इस टाइप अगर कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, अगर तीन कार्बन रहा यहाँ पे है CH3, अब देखो इसमें करते यहाँ पे क्या हम लोग, इसमें कपलिंग कराना होता है एक तरह से, और जब कपलिंग होता है इस टाइप से यहाँ पे, जो तुम्हारा RX होता है इस केस में, स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि जो RX होना चाहिए यहाँ पे वो प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एक पॉइंट ये भी लिख लोगे यहाँ पे। तो जनरली यहाँ पे जो यूज करते हैं वो क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तभी उसमें क्या होगा कपलिंग हो पाएगा, क्योंकि टर्सरी जब ले लेते हैं, टर्सरी अल्काइल हैलाइड का मीनिंग क्या होता है इसमें, CH3 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 और X, इसमें इस कार्बन के अराउंड बहुत ज्यादा क्राउडिंग आ जाता है, इसके चलते ये रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। ऊर्जा रिएक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज किया जाता है यहाँ पे, बस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कहीं पर भी ये क्या यूज करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब ये चीजें क्लियर हो, यहाँ पे ये एक्स किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बन से, सुनो क्या बोलना है यहाँ पे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, और ये सब क्या रहा है प्राइमरी। अब यहाँ पे इस टाइप से कुछ आ रहा हो CH3Br, इसका रिएक्शन अगर करा रहे हैं सोडियम ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स नहीं भी दिया गया तो अंडरस्टूड होता है कि इसका दो मॉलिक्यूल्स होगा तभी कपलिंग होगा, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोच के बताओ सब लोग, थोड़ा सोचना उसमें आइसोब्यूटेन या कुछ और, IUPAC नेम बता सकते हो, IUPAC नेम तो सबको बता सकते हो प्रोडक्ट का, आइसोपेंटेन नहीं, कपलिंग कराना है तो कपलिंग कराओगे तो इसमें क्या कराना है, CH3CH CH3 CH3 CH CH3, और इसी का बस कॉपी कर लेना था इधर भी CH CH3 CH3, टू टाइम्स आ रहा है जिसका IUPAC नेम तो हर कोई बता सकते हो। चलो अब सही आ रहा है 2,3-dimethylbutane, इस कंपाउंड का नेम खुद से लिख लोगे 2,3-dimethylbutane, ये भी एक अल्केन का प्रिपरेशन हो पा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे है जब सेमी टाइप का अल्काइल हैलाइड यहाँ पे 2 times आ रहा है तो उसमें क्या होगा कपलिंग हो जाएगा उस केस में। अब यहाँ पे एक सोच के बताओगे कि इस ऊर्जा रिएक्शन मेथड से हम लोग मीथेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, यस या नो, नो सही है बिल्कुल, इसमें मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि मीथेन में क्या होता है एक ही कार्बन है CH4, और यहाँ पे कपलिंग अगर होगा तो कम से कम 2 कार्बन तो आएगा, एक ये पॉइंट भी आगे नोट कर लेना, अभी करते हैं नोट।
उर्ज रिएक्शन मेथड से सी एच फोर को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कॉपी करो यहाँ तक पहले। और बाकी जब भी इसमें रिएक्शन आता है तो उसमें खुद से ट्राई करो प्रोडक्ट बनाने का, बहुत ही आसान से रहता है जो भी आके देखें हम लोग। कर ले कॉपी कर लिया तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है इसमें कि सी एच फोर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई उर्ज रिएक्शन मेथड। सी एच फोर अल्केन है बट इस मेथड से इसके लिए अलग मेथड हो जो कि आगे देखेंगे हम लोग। सी एच फोर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन मेथड। उर्ज रिएक्शन मेथड सुनते उर्ज रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सी एच थ्री सी एच टू बी आर सी एच थ्री बी आर। अब दो डिफरेंट अल्कलाइड यूज किया जाए यहाँ पे और इसमें भी एन ए ड्राई कर दिया है, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे ध्यान से सोचना है। अब इस केस में देखो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड दोनों दिया हुआ एन ए ड्राई कर है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कि जो सी एच थ्री सी एच टू बी आर है ये जितना भी अमाउंट में अगर एक मोल में भी है तो इसका हाफ हाफ मोल प्रोडक्ट बना लेगा यहाँ पे। सबसे पहले इसका भी कपलिंग होगा और जब इसका कपलिंग होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे इसका कपलिंग होगा तो इसका खुद का कपलिंग होना है तो इसमें चार कार्बन का अल्केन बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब क्या होता है जो सी एच थ्री बी आ रहा है इसका भी खुद का कपलिंग होगा, एक कुछ नहीं भी दिया गया है कि इसका एक मोल भी अगर है तो हाफ हाफ मोल इसका कपलिंग कर लेगा और इसका ये क्या बना देगा यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री। इसमें एक प्रोडक्ट और भी बन जाता है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट और क्या बनता है इसका खुद का कपलिंग हुआ इसका सेल्फ कपलिंग हुआ, अब दोनों का क्रॉस कपलिंग भी होता है। अब क्रॉस कपलिंग कैसे होता है यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे जनरेट क्या हो रहा था सी, अगर मैक्सिमम थोड़ा सा देखोगे इसमें यहाँ पे क्या बना था सी एच थ्री सी एच टू माइनस और वो दूसरे पे आके अटैक कर रहा था यहाँ पे आर माइनस दूसरे आर एक्स पे। यहाँ पर भी क्या होगा तो मान लो कि यहाँ पे ये सी एच थ्री माइनस बना और ये सी एच थ्री माइनस इस कार्बन पे भी आके अटैक कर सकता है, दैट मीन्स इसमें एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है और वो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। यहाँ पे जब दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हो और उसमें एन ए ड्राइथर अगर आ रहा है वहां पे उस केस में क्या होता है वहां पे तीन तीन प्रोडक्ट बन पाता है, मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाता है इस केस में। इससे क्या बन जाएगा ब्यूटेन, इसका सेल्फ कपलिंग होगा इथेन और दोनों का क्रॉस कपलिंग होगा उससे क्या बन जाता है प्रोपेन भी बन पाता है यहाँ पे। वैसे जनरली हम लोग उर्ज रिएक्शन मेथड से सिमेट्रिकल अल्केन का प्रिपरेशन कर पाते हैं, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही अल्केन बना पाते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन तो सबको क्लियर है कैसे तीन तीन प्रोडक्ट बन पा रहा है यहाँ पे, इसका जब खुद सेल्फ कपलिंग होगा तो ब्यूटेन, इसका सेल्फ कपलिंग हो रहा है तो इथेन और दोनों का क्रॉस कपलिंग दैट मीन्स इसका दो कार्बन और इसका एक कार्बन, ये क्या बन जाता है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, इसमें तीन तीन प्रोडक्ट बन पाता है यहाँ पे जब भी दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड दिया रहे क्वेश्चन में। बट यहाँ पे देखोगे कि इसमें मिक्सचर ऑफ अल्केन बन पा रहा है किसी एक स्पेसिफिक अल्केन, तो बैलेंस ही नहीं हो रहा यहाँ पे, हम लोगों को बैलेंसिंग नहीं करना यहाँ पे। इस केस में मुझे जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंसिंग नहीं करना यहाँ पे क्योंकि हम लोग सारा प्रोडक्ट तो लिख नहीं रहे हैं। देखिए NaBr जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा है, तो मेनली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है
इसकी बात करते हैं, और पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में बायोएंजाइम की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है। यहाँ पे जो हम लोग इनऑर्गेनिक पाउडर आता है, जो बारकोड बनता है, उसके हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। मैंने देखना कि कपलिंग करके कौन कौन सा ऑर्गेनिक पाउडर बन पा रहा है, चाहे मेजर बने चाहे माइनर बने, वो कुछ देखेंगे हम लोग आगे, बट कौन कौन सा पाउडर कुछ भी अमाउंट में बन पा रहा है तो चेक करना होता है। बट ये जनरली हम लोग ऐसा कराते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मिक्सचर ऑफ अल्केन बन गया, कोई एक अल्केन नहीं बन रहा, इसको फिर मुझे सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ब्यूटेन को अलग करना पड़ेगा, इथेन को अलग, प्रोपेन को अलग, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे उर्ज रिएक्शन मेथड से जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड, इवन नंबर ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड बाय उर्ज रिएक्शन मेथड, उर्ज रिएक्शन मेथड। तो जनरली जो अब यहाँ पे देखोगे ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन भी बन गया, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का मतलब क्या आ रहा है, इसमें 3, 5, 7 इस टाइप का अगर अल्केन बन रहा है, बट ये अकेला नहीं बन रहा है, इसके साथ साथ दो प्रोडक्ट और भी आ जा रहा है, जैसे मिक्सचर ऑफ अल्केन है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनाने का ये गुड मेथड नहीं होता उर्ज रिएक्शन, कुछ और मेथड जो अभी आगे देखेंगे हम लोग। बट पीछे जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, जब इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाना होगा तो इसमें सिर्फ इथेन ही बन रहा है, ब्यूटेन ही बन रहा है, 2,3-dimethyl ब्यूटेन ही बन रहा है यहाँ पे, इसमें एक ही कंपाउंड बन पा रहा है इस केस में। दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन जब भी प्रिपेयर करना हो लाइक इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन इस टाइप से, हम लोग उस रिएक्शन मेथड का यूज करके इजिली बना पाएंगे। इस पॉइंट को भी कॉपी करना यहाँ पे है। ये हम लोग देख रहे थे उर्ज रिएक्शन, इसी की जैसा एक और रिएक्शन है यहाँ पे, बेसिकली वो अल्केन प्रिपरेशन का नहीं है बट इसी की जैसा रहा। बताओ फिर सर, CH4 can't be prepared by Wood's reaction. इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बताया था कि CH4 cannot be prepared by Wood's reaction. इसका मीनिंग है कि जब भी होता है इसमें क्या होता है, कपलिंग होगा। एक भी कार्बन अगर रहा, अल्काइल हैलाइड अगर है, इसमें कम से कम एक कार्बन तो होगा ही, और एक कार्बन जो होगा तो उसका कपलिंग हो जाए तो वो दो कार्बन ना लेगा, तो CH4 कभी भी इस मेथड से नहीं बन सकता है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? ठीक है, तो जहाँ कहीं भी कोई डाउट आता है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे रिएक्शन को सीखना, बिल्कुल पूछते जाओगे, जहाँ पर भी कुछ लग रहा है तुम्हें वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। उर्ज रिएक्शन के जैसा एक और रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, वैसे वो अल्केन का प्रिपरेशन नहीं है बट सेम टाइप का रहता है, इसको हम लोग साथ में देख लेते हैं इसको, फिटिंग रिएक्शन। अब उर्ज रिएक्शन में क्या कराते थे हम लोग, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ पे कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड, कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड, कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। Is called fitting reaction. अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का एआर फॉर एरोमेटिक, एआर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे एरोमेटिक से, तो अगर कोई हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो, दैट मीन्स बेंजीन से यहाँ पे
रॉयल हैलाइड का मतलब क्या था, किसी भी एरोमेटिक रिंग से अगर कनेक्टेड आ रहा है हेलोजन, और मेनली किसकी बात करता हूँ मैं, बेंजीन का, तो बेंजीन से अगर एक्स कनेक्टेड है और इसका अगर कपलिंग हो रहा है सोडियम ड्राई एथर के प्रेजेंस में, और इसका भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज होगा, यहाँ पे भी क्या पॉइंट बन जाता है सेम टाइप से, इसका भी कपलिंग हो जाना है, तो एन एच एक्स तो बन ही जाएगा, और ये जो इसी का दो मॉलिक्यूल्स आएगा, एक ही आ जाएगा, इसी का कपलिंग जब होगा ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट बन रहा है इस कंपाउंड का नेम क्या आ रहा है फिर बता सको, फाइनल प्रोडक्ट का नेम इसको बोलते हैं बायफिनाइल, इसका नेम क्या आ रहा है बायफिनाइल। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ पे ये है भी नहीं, बट याद रखना कि फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, एराइल हैलाइड का कपलिंग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राइथर, जो कि हम लोग उस रिएक्शन में करा रहे थे, तो सिर्फ एराइल हैलाइड का कपलिंग हो रहा है तो उससे उसका नेम चेंज हो जाता है रिएक्शन का, तो रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन, बाकी मिक्सम वगैरह सेम रहता है तो मैं मिक्सम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये जो मान लो कि ये आर हो, ये क्या बन जाता है आर आर, ये बेंजीनिंग है, टू टाइम्स आर आर बेंजीनिंग यहाँ पर, और इसी का नेम क्या हो जाएगा बायफिनाइल, बस इसको याद रखना यहाँ पे कि एराइल हैलाइड का जब कपलिंग होगा तो वो क्या हो, उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। चलो इसको भी कॉपी करो, इसके बाद एक रिएक्शन और भी इसी टाइप से रहता है, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, कर ले कॉपी कर ले सब लोग। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, ठीक है कर लो कॉपी कर लो। तो ध्यान से सुनोगे तो याद होता चला जाएगा यहीं पे। रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या था, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड, और फिटिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल फॉर एरोमेटिक रिंग। नहीं ये रिएक्शन यहाँ पे हम लोग बस एक ये फिटिंग रिएक्शन को कोई नंबरिंग मैंने दे रहा है, यहाँ पे उर्ज रिएक्शन ही मेन था, उसी के जैसा कि ये फिटिंग रिएक्शन रहा था तो इसको बस याद रखना था यहाँ पे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे, अब नेक्स्ट रिएक्शन है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, अब इसमें अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे उर्ज रिएक्शन अलग से पड़े थे, फिटिंग रिएक्शन अलग से पड़े थे। उर्ज रिएक्शन में क्या कराते थे, किसका कपलिंग होता था अल्काइल हैलाइड का, और फिटिंग रिएक्शन में किसका कपलिंग होता था एराइल हैलाइड का। अब इन दोनों को अगर साथ में ले लिया जाए यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एन ए ड्राई इथर लिया जाएगा, एन ए ड्राई इथर, क्लियर है यहाँ पे है। इस केस में प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर भी गेस कर सकते खुद से, यहाँ पे एक ये एराइल हैलाइड और एक ये अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर भी NaX बन जाता टू टाइम्स NaX, और बाकी ये बेंडिंग से एसोसिएट हो जाता ये R, ये R क्या जाता है यहाँ पे बेंडिंग पे, और ये टू टाइम्स NaX बन जाता है। ये जो फाइनल पॉइंट बन रहा है यहाँ, इसको लोग क्या बोल पाएंगे सिंपली अल्काइल बेंजीन, ये क्या जाता है यहाँ पे अल्काइल बेंजीन।
तो उर्ज रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन जब कंबाइंड कर रहे हैं उसी का नेम क्या था, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, और उसका रिएक्शन भी आर एक्स प्लस एराइल अल्काइल एलाइड प्लस एराइल एलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राईथर। तो जहाँ भी सोडियम एंड ड्राईथर एज ए रिएजेंट दिखे तुम्हें वहां पे वो कौन सा रिएक्शन होगा, कपलिंग कराना रहेगा हमेशा। तो इसका ये अलग पॉइंट, उर्ज रिएक्शन के जैसा ये दोनों रिएक्शन था, फिटिंग रिएक्शन एंड उर्ज फिटिंग रिएक्शन, दैट मींस ये दोनों रिएक्शन को बस याद रखना था यहाँ पर। वो पढ़ना तो अल्काइल हैलाइड का ही, जो आगे अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ना है, यहाँ पे अल्केन नहीं बन पा रहा है, अल्काइल बेंजीन बन रहा है यहाँ पे। ये जो दो का दो लास्ट रिएक्शन मैंने लिखा है फिटिंग एंड उर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसको सिर्फ यहाँ पे नोट करके बस याद रखना कि ये रिएक्शन होता है क्या, फिटिंग रिएक्शन। तो फिर आ जाता है अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो पढ़ा रहे थे उसका उर्ज रिएक्शन, उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे थे अभी उर्ज रिएक्शन। अब उर्ज रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, वहां पे मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, और उसके अलावा जब भी प्रिपेयर करते थे मेनली इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन ही प्रिपेयर हो रहा था। मेनली क्या होता था इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन। अब बोलोगे सर ऑड नंबर का भी तो आप बना रहे हैं यहाँ पे, बट ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जब अल्केन बनता है यहाँ पे ये अकेले नहीं आ रहा, ये मिक्सचर ऑफ अल्केन बन रहा है, दैट मीन्स इसको फिर सेपरेट आउट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। दैट मीन्स इसके लिए अलग प्रोसेस है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाना होगा वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे। अब ये लिखोगे सेकंड, फर्स्ट क्या था उर्ज रिएक्शन, सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का पूरी हाउस सिंथेसिस, पूरी हाउस सिंथेसिस। बिल्कुल इसमें कोई भी बेंच, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे है क्योंकि आगे भी आएगा दोबारा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ मिथाइल बेंजीन ही बनेगा, जो भी बेंजीन तुम बना सको, एक तो बेंजीन रहेगा, आर में तुम कुछ भी पुट करो, आर के जगह सी एच थ्री ले लोगे वो क्या बन जाता है इसमें मिथाइल बेंजीन, आर के जगह इथाइल ले लोगे सी टू एच फाइव वो क्या बन जाता है यहाँ पे इथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, जो भी बेंजीन बनाना हो यहाँ पे इस टाइप से बना सकते हो। क्लियर है यहाँ पे है, आर का कुछ भी वैल्यू रहेगा और यहाँ पे एक बेंजीन रहेगा, बेंजीन और एक एक्स। सेकंड है इसमें कोरी हाउस सिंथेसिस। तो कोरी हाउस सिंथेसिस में क्या करना है, यहाँ पर भी जो रिएक्शन होता है आर डैश एक्स, और इसका रिएक्शन करा रहा होता है यहाँ पे आर टू सी यू एल आई, आर टू सी यू एल आई। अब यहाँ पे जो आर टू सी यू एल आई जो रिएजेंट है यहाँ पे, इसका नेम होता है यहाँ पे लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम डाई अल्काइल, दो आर ग्रुप है, दैट मीन डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ये तो इसका स्पेसिफिक नेम आ गया। और जो आर टू सी यू एल आई जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट का नेम होता है गिलमंस रिएजेंट, गिलमंस रिएजेंट, ये साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है। तो आर टू सी यू एल आई को ही क्या बोला जा रहा है, गिलमंस रिएजेंट। आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, गिलमंस रिएजेंट। और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे तुम्हारा, वो बन जाता है यहाँ पे आर आर डैश प्लस आर सी यू एल आई एक्स, इस टाइप से। ये तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, मेनली जो अल्केन चाहिए मुझे ये अल्केन मिल पा रहा है। ये इसका जनरल रिएक्शन था कोरी हाउस सिंथेसिस का, इसी रिएक्शन को क्या नेम दे रहे हैं हम लोग, कोरी हाउस सिंथेसिस। इसको नॉट पर इसका मिक्सम भी देखना चाहिए, बन कैसे रहा है यहाँ पे।
एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है R2CuLi का, ये तो एक्चुअल नेम हो गया लिथियम डाइअल्काइल क्विप्रेट, बट ये कौन सा रिएजेंट है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बोलते हैं गिलमंस रिएजेंट। तो नीचे कंटिन्यू करो, मैं मैक्सिमम यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे ले देता हूँ इसका मैक्सिमम। अब यहाँ पे सोचना था कुछ बेसिक चीजें, यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम +1 +1। अब यहाँ पे जो कॉपर है, सही है सब लोगों का +1, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो करता +1 या +2, यहाँ पे अगर लोग +1 माना, यहाँ पे इस केस में Li प्लस कॉपर भी +1, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था R2CuLi जो था, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, बट लिथियम पे +1 कॉपर पे +1, एक आर पे कितना चार्ज आएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल होने के लिए? -1। सब लोग सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल रखना है, इस पे +1 +1, ये दोनों मिलाकर के +2, एक आर पे कितना चार्ज आ रहा होगा -1, क्योंकि दो आर आ रहा है यहाँ पे, तो -1 × 2 -2 और ये +2। यहाँ से क्लियर हो गया कि एक आर पे कितना चार्ज आ रहा होगा तुम्हारा -1। तो जब भी R2CuLi रहता यहाँ पे है, गिलमंस रिएजेंट है, यहाँ पे एक आर पे कितना चार्ज आएगा -1। दैट मीन्स यहाँ पे सोचना ये है कि मुझे जब भी गिलमंस रिएजेंट दिया रहे तो वहां से क्या मिलेगा, आर माइनस। इस आर माइनस को सेपरेटली सोच लेना था यहाँ पे, और ये आर माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से CuLi, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आर पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स आर माइनस मिल गया। क्लियर है यहाँ पे है, बहुत ही सिंपल सा है। अब यही जो R- है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। सही है, न्यूक्लियोफाइल। वही जो R- है यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या लिया गया था, R- X। ये R और R- सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है यहाँ पे। यही अब क्या रहेगा, R- X। और R2CuLi जो गिलमंस रिएजेंट है, वहां से मिल क्या जाएगा मुझे, R-। क्योंकि कोई भी कार्बन लोग पढ़े भी थे कि कार्बन, अगर अब देखोगे यहाँ पे गिलमंस रिएजेंट जो है, ये एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है या नहीं है, तो वो सोच के बताना है। R2CuLi इज एन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे, क्योंकि CuLi ये जो R है, दैट मीन्स कोई कार्बन कोई ग्रुप होगा CH3 या C2H5, तो कार्बन यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कॉपर से, और कोई भी कार्बन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी मेटल से कार्बन, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में पढ़े भी थे। तो जो गिलमंस रिएजेंट है, ये भी एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, और मेटल से अगर कनेक्टेड है कोई आर ग्रुप, तो वहां से क्या मिल जाएगा, आर माइनस। और यही आर माइनस जो रहता है, अब देखना कि आर डैश एक्स, आर डैश एक्स में एक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और आर डैश पे पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यही जो आर माइनस है, ये कहाँ पे आके अटैक करेगा, उससे सोचो तुम लोग, आर डैश पे, आर डैश बेसिकली है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो आर डैश पे आके अटैक करेगा, और जैसे आके अटैक करेगा यहाँ पे है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप से हो जा रहा है यहाँ पे, कि जैसे आर नेगेटिव आकर के अटैक करेगा आर पे, तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, अटैक करने मतलब क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता ही है, ये एक्स माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है रिएक्शन से, जो तुम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग ग्रुप क्या होता है। तो जैसे ही एक्स माइनस बाहर गया, ये बन क्या गया, आर डैश आर, और ये एक्स माइनस बाहर चला गया, और यही एक्स माइनस अब किसके साथ जाकर के एसोसिएट हो गया होगा, तो R2CuLi में से एक आर माइनस के फॉर्म मैंने यहाँ से बाहर निकाला, इसको एक आर CuLi तो बची गया, उसी के साथ एक एक्स आकर के एसोसिएट हो गया न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये R CuLi एक्स, ये तो बाय प्रोडक्ट होता है, अपना जो अल्केन बन गया वो क्या आ गया, आर डैश आर यहाँ पे आ गया, तो बाकी बाय प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, मैंने जो अल्केन आ गया यहाँ से आ गया। तो मैक्सिमम सिंपल सा है कि जहाँ कहीं भी R2CuLi आ रहा हो गिलमंस रिएजेंट, वहाँ पे सोचना क्या है, तो वहाँ से क्या मिलेगा, R माइनस,
और वही आर माइनस इस आर पे आकर के अटैक करके एक्स को बाहर करके फाइनल प्रोडक्ट अल्केन बना लेगा। देखते हैं, इसका एग्जांपल भी काफी है, देखेंगे अभी हम लोग इसको। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो सब लोग। तो जब भी, अभी भी ये क्या रहा आर डाइस एक्स, ये क्या रहा अल्काइल हैलाइड। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन गिलमंस रिएजेंट दैट मींस R2CuAlY के साथ होता है, उससे क्या बन रहा है अल्केन। और इस मेथड से अगर अल्केन बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरी हाउस सिंथेसिस, इसी प्रोसेस का नेम है। कोरी हाउस, HOUSE, कोरी हाउस सिंथेसिस, ये इसका करेक्ट जो भी कुछ लग रहा था, ये क्या क्लियरली दिख रहा है HOUSE, कोरी हाउस सिंथेसिस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेते हैं, बाकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो लोग नोट कर लिए उसको यहाँ पे सोचोगे कि CH3CH2Br कुछ भी आ रहा इस टाइप से, और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है इसमें जो रिएजेंट गिवन है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है CH3 twice CuAlY। यहाँ पे R के जगह मैंने क्या पुट कर दिया CH3, कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे तुम लोगों को सोच के बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे उसका नेम क्या होगा। फाइनल प्रोडक्ट का नेम सब लोग बता सकते थे इसमें, सही है बिल्कुल। प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन नहीं, सिर्फ प्रोपेन आता वहां पर, सिंपली क्या लिखेंगे वहां पे प्रोपेन। यहाँ पे सोचने का तरीका क्या था, अक्सर CH3 twice CuAlY है, यहाँ से मिलेगा क्या जो रिएक्शन में अपने काम का क्या मिलेगा CH3-। कैसे सोचना है, तो Li पे +1, कॉपर +1, और यहाँ पे अगर न्यूट्रलाइज होना है तो एक CH3 पे कितना चार्ज आएगा -1, जो कि मैंने यहाँ पे बताया सोचने के लिए। और यही CH3-, ये अब कहाँ पे आकर के अटैक करे, तो ब्रोमिन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अब देखो हम लोग इंडक्टिव पैर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इस पे भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बट ब्रोमीन का ज्यादा इंडक्टिव पैर कहाँ पे लगेगा, इस फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और इस कार्बन पे अगर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दैट मींस ये CH3- इसी कार्बन पे आकर के अटैक करेगा, जिससे कि यह हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड है। और जैसे यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, ये Br- को यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो बन क्या जाता है CH3CH2CH3। ये क्या जाता है यहाँ पे, सिंपली प्रोपेन। क्लियर है सब लोगों को, यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि कोरी हाउस सिंथेसिस से हम लोग दोनों टाइप का अल्केन इजिली बना पाएंगे। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन ही बन पा रहा है, इवन नंबर ऑफ कार्बन का भी अल्केन बनेगा, यहाँ से दोनों तरीके का अल्केन लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉपी करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में। तो कोई भी एग्जांपल और सोचने का तरीका यही है कि R2CuAlY आ रहा है, गिलमंस रिएजेंट है, उसमें मिलेगा क्या R- और वही दूसरे मॉलिक्यूल जो भी अल्काइल हैलाइड होगा उस पे आकर के अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पे फाइनल
कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में कोरिया और सिंथेसिस का ही। CH3 CH CH3। BR अब यहाँ पे आ रहा हूँ CH3 CH2 twice CuAlI। मैं सोच के बताना क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। Cl खुद से बना सकते हो, पोर्ट क्या बनेगा यहाँ पे ट्राई करो। तो सिंपली प्रोडक्ट का नेम बताना है, कौन सा अल्केन बन रहा है। स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं, तो सिंपली चेट बॉक्स में या जैसे भी अनम्यूट करके बताना हो तो फाइनली प्रोडक्ट का नेम क्या आ रहा है दोनों केस में। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। तो मिथाइल ब्यूटेन इसमें क्या आता प्रोडक्ट यहाँ पे तुम्हारा CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो मिथाइल ब्यूटेन सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। सिर्फ ब्यूटेन नहीं आता उसमें, क्या आता है तो मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन नहीं आएगा उसमें। नीचे वाले में देखते हैं क्या रहेगा, तो पेंटेन रहे इसमें क्या आएगा, पेंटेन आ जाता। तो इसमें करेक्ट है सब लोगों का। सोचने का तरीका क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ से क्या मिलेगा CH3 CH2- जो भी आ रहा है उस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज मेनली किस कार्बन पे आएगा, जिस कार्बन से ये CO कनेक्टेड होगा वहाँ पे। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे हम लोग, ये CH3 CH2- इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसी कार्बन पे क्यों, क्योंकि इसी पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे अटैक करेगा और ये BR को बाहर करेगा लिविंग ग्रुप को। ये 2-methyl-butane सिमिलरली इसमें सोचना था यहाँ पे, यहाँ से क्या मिलेगा सर CH3- और यही CH3- इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और ये क्या बन जाता है 1 2 3 4 और एक कार्बन और आ जाएगा। तो नॉर्मल पेंटेन बन जाता है ये। लास्ट में क्या बन जाता है, पेंटेन, क्योंकि एक क्लोरीन है वहां पे अभी, ये क्लोरीन तो बाहर ही चला गया, बचा 4 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ से आ जाता है। ये क्या बन जाएगा इसमें, पेंटेन, एन पेंटेन लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस मेथड से हम लोग दोनों टाइप का अल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, या दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन का भी अल्केन बना सकते हैं यहाँ पर। ये हम लोग देख रहे थे कोरिया सिंथेसिस। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है, दिख रहा था इसमें मेटल हाइड्राइड से, देख लेते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, विथ ZnHCl। मेनली यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर फोकस करना है, क्लियर है। तो अब अल्काइलाइड का रिएक्शन अगर RX, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ZnHCl के साथ। इसमें जो कंपाउंड बन जाता है फाइनली वो रहता है RH अल्केन। इसको भी थर्ड मेथड बोल सकते हो यहाँ पे,
फर्स्ट था उर्ज रिएक्शन, सेकेंड था कोरियोसिंथेसिस, ये थर्ड मेथड है। अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन जेडन एचसीएल के साथ होता है, उससे भी क्या बन पाता है यहाँ पे अल्केन। मिक्सम बहुत ही सिंपल सा है, मिक्सम इवन तुम लोग खुद से सोच सकते हो कि इसका मिक्सम क्या आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे जेडन है, तो जेडन क्या होता है, मेटल है एक, और मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और जेडन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ सब लोग, जेडन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू। तो प्लस टू कब होता है जेडन का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तभी तो इस पर प्लस टू चार्ज आएगा, और मेटल का प्रॉपर्टीज होता है दो इलेक्ट्रॉन बाहर करना, दैट मीन्स जेडन है तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। अब यही पे जैसे कि लोग ओरिजिनल रिएक्शन में देखे थे आर एक्स आ रहा, अब यही जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस आर पे आकर के अटैक करेगा, क्योंकि आर पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन आर पे अटैक करेगा, एक्स माइनस को बाहर करेगा ये, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे आर माइनस, क्लियर है यहाँ पे है। और यही आर माइनस जो रहता है यहाँ पे, जैसे ये आर माइनस बना, जेडन का काम तो हो गया, अब जो एच सी एल आ रहा है यहाँ पे, एच सी एल पे हम लोग जानते हैं कि एच सी एल एक एसिड है, तो एच सी एल से क्या प्रोवाइड करेगा ये एच प्लस, जहां भी एच सी एल आ रहा है तो उसका काम क्या होता है एच प्लस और सी एल माइनस, एक एसिड है तो इजिली एच प्लस को रिलीज करता है, और वही एच प्लस अब इस आर माइनस के साथ आकर के एड हो जाएगा। जैसे आर माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एच प्लस को देगा, दैट मीन्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यही क्या हो जाता है इसमें आर एच, और यही तो चाहिए था अल्केमी। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे और भी मान लो कि इस टाइप का कुछ आ रहा हो सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसका रिएक्शन जेड एन एच सी एल के साथ हो रहा है, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, यहाँ पे बी आर आ रहा है, इसका रिएक्शन जेड एन एच सी एल के साथ करा रहे हैं, सही है बिल्कुल प्रोडक्ट सब लोगों का सही है। इथेन दोनों का बोर्ड बना लो, यहाँ पे सोचो क्या रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाता सी एच थ्री सी एच टू। सोचने का तरीका क्या था, मिक्सम यहाँ पे सामने लिखा गया है, जेडन का है मेटल है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और वही दो इलेक्ट्रॉन आकर के सार पे अटैक करता है, और एक्स को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है, और जो बाहर चला जा रहा है उसको हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो आर माइनस है वो आकर के एच के साथ, ये एच कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एच सी एल, और बाकी बायप्रोडक्ट की बात करोगे इसमें, ये जो सी एल माइनस यहाँ से बाहर गया, एक्स माइनस यहाँ से बाहर जा रहा था, ये क्या बना लेगा इसमें जेडन प्लस सी एल माइनस और एक्स माइनस, वो क्या बन जाता है वहां पे जेडन एक्स सी एल, वो तो बायप्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाता प्रोडक्ट तुम्हारा सी एच थ्री सी एच टू नेगेटिव चार्ज बनता जैसे तो इलेक्ट्रॉन अटैक करता, और एच सी एल से एच प्लस को एक्सेप्ट करके ये सी एच थ्री इथेन। नीचे क्या बन जाता लास्ट वाले में, सिंपली ब्यूटेन, मिक्सम को हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या बनता है सिंपली, अब यहाँ पे जैसे कि जेडन है, सोचने का तरीका क्या है देख लो, इसमें मिक्सम है, मिक्सम यहीं पे रिपीट कर देता हूँ, तो जेडन है तो जेडन क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, मेटल है, और जैसे इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वही दो इलेक्ट्रॉन आकर के इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बी आर माइनस को बाहर करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस केस में, एक इलेक्ट्रॉन तो आर का बाहर चला गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है आर के पास, दैट मीन्स इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसी कार्बन पे एच सी एल का एच प्लस आकर के एड हो जाएगा, क्योंकि एच प्लस कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा लोन पेयर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एच प्लस आ जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि एच प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाता है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन।
क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं वो यहाँ पे। इस टाइप का कोई भी रिएक्शन आता है कुछ भी रटना नहीं है, मेटल का प्रॉपर्टीज ही होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जेडन का जो प्रॉपर्टी वो दो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। चलो नेक्स्ट है इसमें, कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो कुछ भी रटना नहीं हुआ, सारे स्टेप को समझना है वो कैसे हो रहा है वहां पर। नेक्स्ट है केस इसी में, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद रिएक्शन ऑफ आरएक्स, दैट मीन्स अल्काइल हैलाइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4। सुनो क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पे, है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे, फोर बोल सकते हो। नेक्स्ट मेथड, रिएक्शन ऑफ RX विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जैसा कि नेम में देख रहे हो कि इसमें नेम में क्या आ रहा, हाइड्राइड, हाइड्राइड होता क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड, बताओ सब लोग, हाइड्राइड। H माइनस को क्या बोलते हैं लोग, हाइड्राइड, और H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन, क्लियर है, ये छोटी छोटी चीज सबको क्लियर होना चाहिए, एच प्लस को प्रोटॉन और एच माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ रहा है, LiLH4 आ रहा है, वहां पे सोचना है क्या कि हाइड्राइड आ रहा है, वहां पे H माइनस मिलेगा, एच एन निकलियो फाइव। तो ये देखते हम लोग मिक्सन देखेंगे अभी इसका, यहाँ पे अब कोई भी रिएक्शन आ रहा है इस केस में RX, और इसका रिएक्शन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ किया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लेता है यहाँ पे, RH, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। इसका भी मिक्सम की बात करें हम लोग, इसका जो मिक्सम रहता है यहाँ पे RX और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जब भी हो अपने काम का जो मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलता है, हाइड्राइड। वैसे भी एक पॉइंट पढ़े हो गए कि जब भी हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड होता है उसके इसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, दैट मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, एच माइनस, और यही जो एच माइनस है दैट मीन्स यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, एच माइनस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है, और यहाँ पे एनयू माइनस आ रहा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे सोचना है कि एच माइनस कहाँ पे अटैक करे, तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, क्योंकि इसके पास तो खुद नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा, आर पे, ये एच माइनस इसी आर पे जैसे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आर पे अटैक किया ये एक्स माइनस को बाहर कर देगा एज एलिविंग रूप, सेम स्टेप कर रहे हैं आर केस में हम लोग, ये क्या बन जाता है यहाँ पे आर एच, बाकी ये एक्स माइनस बाहर चला जाएगा एज एलिविंग रूप, और ये एक्स माइनस एल आई एल एल के साथ एसोसिएट हो जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे। तो मेनली जो चाहिए था मुझे वो क्या मिल पा रहा है यहाँ पे, अल्केन। इसका भी बस एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप का आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। CH3, CH2, CH3, यहाँ पे Br आ रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे। सोचने का तरीका क्या है, कुछ भी रटना नहीं है कि सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ रहा है, यहाँ से मिलेगा क्या, हाइड्राइड, दैट मीन्स एच माइनस, और यही एच माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और यही एच माइनस आकर के फिर इस कार्बन पे
अटैक भी करना यहाँ पे है इसी कारण पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ये, और जैसे ही एच माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे, बी आर माइनस यहाँ से बाहर चला जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिएक्शन से बाहर जाता है हमेशा, सी एच थ्री सी एच, और यहीं पे एक एच आकर के एसोसिएट हो जाएगा ये एच एच माइनस, ये सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। सही आ रहा है, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है इसमें, ब्यूटेन। ये क्या जाता है यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो कोई भी रिएक्शन हो इस टाइप से हो सकता है यहाँ पे। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिंपल सा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड होगा वहीं पे एच माइनस आकर के अटैक करेगा बी आर को बाहर करेगा और फाइनली अल्केन का फॉर्मेशन हो जाना वहां पर। फिफ्थ रिएक्शन है इसमें यहाँ पे, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको। तो काफी आसान सा पार्ट है ये ऑर्गेनिक का, बट इसमें ध्यान रखो कोई लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि एक भी लेक्चर मिस होगा तो सोचना कैसे रिएक्शन में, फिर रटना पड़ेगा वहां पे। और ऑर्गेनिक रिएक्शन को रट के काम नहीं कर, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है। अब मान लो कि ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एक यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया, ये भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज या डिक्रीज करके एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, उसका रिएक्शन फिर समझना ही पड़ेगा वहां पर। कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहां तक। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, इसी के जैसा एक रिएक्शन हो रहा था यहाँ पे। तो उसमें छोटा सा रिएक्शन यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखने क्या करना होता है हमको, इस फ्रैंकलिन रिएक्शन में यहाँ भी कपलिंग टाइप सा ही हो, यहाँ पे आर एक्स का रिएक्शन जेडन के साथ कराते हैं यहाँ पे, और जेडन के साथ जब रिएक्शन होता है यहाँ पे ये भी कंपाउंड बन जाता है आर आर प्लस जेडन एक्स टू। तो जब अल्काइलेट का रिएक्शन जेडन के साथ कराते हैं यहाँ पे, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रैंकलिन रिएक्शन, साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है, और यही तो आ रहा है यहाँ पे आर आर, दैट मीन्स अल्केन। मैक्सिमम खुद से तुम लोग सोच सकते हो यहाँ पे, जहां कहीं भी जेडन आ रहा है मेटल आ रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, सही है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यही जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ रहा है आर एक्स, आर एक्स, और वही दो इलेक्ट्रॉन इस आर पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा आर पे, और जैसे इस आर पे अटैक करेगा एक्स माइनस को बाहर करेगा, जो भी हाइड्रोजन वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ये क्या बन जाता, दो एक इलेक्ट्रॉन आर का ले जा रहा है ये एक्स, तभी तो वो एक्स माइनस बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है लेकिन दो इलेक्ट्रॉन आकर के एड भी हो रहा है आर के साथ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा आर पे। ये स्टेप क्लियर है, हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो आर एक्स है इसका दो मोलिकुल यूज हो रहा है यहाँ पे, और जब दो मोल दूसरा मोलिकुल लिया जाएगा आर एक्स का, यही आर माइनस, अब यही आर माइनस कहाँ पे अटैक करेगा आकर के, इस आर पे, और जैसे ये आर माइनस इस आर पे आकर के अटैक करेगा ये एक्स माइनस को बाहर करेगा यहाँ पे। क्लियर है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये आर माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये आर पे आकर के अटैक कर और एक्स माइनस को बाहर कर रहा है यहाँ पे, ये सिंपली क्या हो जाता है आर आर, और ये एक्स माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है ये आर आर, तो अल्केन तो बन गया, बाकी एक्स माइनस और ये जेडन प्लस टू, तो जेडन प्लस टू एक्स माइनस ये कंबाइंड होकर के क्या बना लेता, जेडन एक्स टू, ये क्या आता है यहाँ पे जेडन एक्स टू।
मेनली मुझे अल्केन पे फोकस करना कि यहाँ से क्या मिल पा रहा है अल्केन। ये भी कुछ कपलिंग रिएक्शन टाइप से हो रहा है, RX का दो मॉलिक्यूल से हो जाता है और ये क्या बना लेता है RR, बाकी मिक्सिंग इस टाइप से आ रहा है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो मैं ऊपर एक दो एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर CH3, CH2, BR, अब इसमें यहाँ पे ZN आ जाए, सिंपल सा यहाँ पे सिर्फ ZN दिया रहा है और कुछ भी नहीं दिया रहा है यहाँ पे, इसमें सोचने क्या बनेगा प्रोडक्ट। बाकी ये जो रिएक्शन कराते हैं इसमें कभी कभी ईथर लिखा रह सकता है, यहाँ पे ईथर मीडियम में कराता है यहाँ पे रिएक्शन ये। और एक पॉइंट याद रखोगे सर, ईथर मीडियम ही क्यों ले रहे हैं ज्यादातर आप, क्योंकि ईथर जो होता है वो काफी इनर्ट नेचर का होता है, वो किसी दूसरे के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। बाकी अल्कोहल वगैरह लोग है या वाटर वगैरह कुछ भी, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जैसे RX के साथ। और मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर वाटर ले लोगे और RX आ रहा तो RX वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अल्कोहल, जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। डेट मीन्स यहाँ पे हम जनरली ईथर लेते हैं ड्राई कंडीशन, सही है। इसमें भी क्या बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2 अंडरस्टूड होता किसका, दो मॉलिक्यूल से हो जाएगा, ZN आ रहा है यहाँ पे, साथ में ईथर रह सकता है यहाँ पे लिखा हुआ। ईथर क्या काम करता है, ओनली प्रोवाइड मीडियम और रिएक्शन। तो CH3 CH2 BR, ये क्या बन जाता प्रोडक्ट यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3। अब मिक्सिंग वाइज यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं, सिंपली देखना है कि R का कपलिंग हो जाता है RR, ये नॉर्मल ब्यूटेन बन जाता है। क्लियर है सब लोगों का? ये जो कुछ मेथड देख रहे थे आज हम लोग यहाँ पे, वो क्या आ रहा था इसमें, अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन अल्केन का नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें यहाँ पे, यहाँ तक कॉपी करो पहले। टोटल कितने प्रोसेस हैं अभी तुम लोग 4-5 पढ़े थे, वो ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड। हर केस में क्या ले रहे थे, जो सबस्ट्रेट है। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम में, इस RX को क्या बोलते हैं, वो सबस्ट्रेट, और ये क्या रहा यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट, जो कि H- न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते थे, अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे जो प्रोसेस है, अभी तुम लोग 3-4 प्रोसेस पढ़े, 5 प्रोसेस, ये सब किससे आ रहा है, अल्काइल हैलाइड से। 2-3 प्रोसेस और भी है, जैसे कि नेक्स्ट प्रोसेस है डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो जो भी प्रोसेस जिसमें, हर किसी में कुछ रखना नहीं, बस समझ सकते वहां पे कौन सा स्टेप हो रहा है, कौन सा पॉइंट बनेगा वहां पर। बट केमिस्ट्री है, थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन किस रिएक्शन को बोला जाता है, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ZN के साथ होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन। और रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम ड्राईथर के साथ होता है, और रिएक्शन इस टाइप से कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा इसमें। बट जब रिएक्शन आता है तो उसको सोच सकते हैं वहां पर। क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस एक दो लेक्चर रुक जाओ, तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे अभी यहाँ पे, टू वैन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ ZN मेटल या सॉरी जिंक मेटल, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हारा अलग अलग, जो नॉर्मल ब्यूटेनर है वो आंसर आ जाता उसमें। तो जैसा हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे, वैसा ही तुम्हें एग्जाम में फाइनली मिलेगा, या फिर पेपर जब बुकलेट सॉल्व करोगे वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लिया हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है इसमें, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, इसको 6th मेथड बोल सकते हो यहाँ पे है। बाकी अभी तक हम लोग सिर्फ किसे देख रहे थे, अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन अल्केन का। नेक्स्ट मेथड रहता है यहाँ पे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन,
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हम 19 क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में किन्हीं को कुछ डाउट हो सकते हो, इतना भी हम लोग पीछे किए हुए हैं। बाकी काफी आसान सा पार्ट है, इसमें हर एक स्टेप को समझ सकते हो, कुछ भी रटना नहीं है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ जीओसी का भी यूज होगा, तो जीओसी का कम से कम बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप प्लस है, कौन सा माइनस है, कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना है, ये सब कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि उसका भी यूज आगे आएगा। चलो ठीक है, बाकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डीपीपी डिस्कशन है मैं अभी ग्रुप पर भी सेंड कर देता हूँ टाइमिंग, तो तुम्हारा कल का टाइमिंग 10 to 11:30। मेनली पार्ट टू की बात करना है, कुछ लोग पूछ रहे हो सर हाइड्रोकार्बन का दो बुकलेट है पार्ट वन पार्ट टू, तो शायद तुम्हें पार्ट वन 11th में मिला होगा और पार्ट टू यहाँ पे। तो पार्ट वन में बेसिक क्वेश्चन दिया गया और पार्ट टू में बेसिक और अच्छे क्वेश्चन दोनों दिए गए तुम्हें, तो तुम्हें पार्ट टू करना है। अभी तो वैसे कुछ होमवर्क आई एक ही लेक्चर हुआ है, बेसिक लेक्चर में स्टार्ट ही किए हैं, तो तुम्हें हाइड्रोकार्बन पार्ट टू सॉल्व करना होगा जब भी होमवर्क मिलेगा, क्योंकि पार्ट वन का ही वो एडवांस वर्जन है पार्ट टू। तो पार्ट टू में सफिशियंट क्वेश्चन दिए गए हैं 12th के अकॉर्डिंग, तो पार्ट वन को नहीं देखना है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में सेम है, वो जो पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ऑलमोस्ट वो सेम ही क्वेश्चन पार्ट टू में भी दिया गया है, तो पार्ट टू करना है। तो ठीक है, कल का जो डीपीपी डिस्कशन है क्वार्टनर कंपाउंड का टाइमिंग 10 to 11:30। तो कल जो भी लोग सॉल्व कर लिए हो तो ठीक है, जो लोग सॉल्व नहीं किए हो तो प्रॉपरली सॉल्व भी कर लो, जो भी 4-5 डीपीपी बचा हुआ, एक डीपीपी तो डिस्कस हो चुका था। चलो ठीक है, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, कल के लेक्चर में देखते हैं इसको डिस्कस करें। कल के लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे नहीं, उसमें मेनली क्या होगा डिस्कशन 10 to 11:30 में डीपीपी का। तो ठीक है, फिर आज का मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, और जिनको कुछ डॉट वगैरह जो सेंटर के आसपास रहना चाहते हो, तो मैं सेंटर पे हूँ रहता हूँ जनरली, तो एक प्रायर मैसेज करके आ सकते हो सेंटर पे। जनरली मैं आफ्टरनून में रहता हूँ 2 to 4 सेंटर पे, तो वहाँ पे एक प्रायर मैसेज करके आ सकते हो। जिनका भी कुछ डॉट वर्क कंपलसरी नहीं, सबको आना ही है, जिनको लगता है जो नज़दीक हो जो आ सकते हो वो भी एक प्रायर मैसेज करके आ सकते हो वहाँ पे। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, फिर आज का यहीं पे।